भगवान, अमर हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है? जब बीजेपी का अस्तित्व तो नहीं था, जनसंघ नहीं था, तब भी हनुमान जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बीजेपी और आरएसएस की रणनीति एकदम फिक्स है, हम तुम्हारे ही व्यक्ति से पाखंड अंधविश्वास करवाएंगे, नफरत भी फैलवाएंगे, ऐसे निर्णय दिलवाएंगे जो तुमसे ना उगलते बने ना निगलते बने, फिर देखेंगे तुम्हारा सामाजिक न्याय। तुम आलोचना करोगे या बचाव करोगे, दोनों में ही हार तुम्हारी होगी। बहरहाल नेशनल जनमत भावना आहत गैंग के सरगनाओं से पूछना चाहता है कि तुम्हारी नाजुक भावनाएं कब कब आहत होती हैं? तुम्हारे वो भगवान जिनको लेकर के तुम्हारी छुईमुई सी भावनाएं आहत हो जाती हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल तो छोड़ दीजिए, अब मनोरंजन के लिए और एक पार्टी के नेता के स्वागत के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। इसके बावजूद तुम्हारी नाजुक भावनाएं आहत नहीं हो रही, इसका मतलब भगवानों के प्रति जो आस्था दिखाते हो वो महज ड्रामेबाजी है। तुम खुद चाहते हो कि तुम्हारे भगवानों का राजनीतिक इस्तेमाल होता रहे। ऐसा ही एक वाक्या मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आया। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उज्जैन पहुंचे थे तो उनका स्वागत हनुमान के गेटअप में एक शख्स ने किया। वैसे मीडिया तो लिख रही है बजरंगबली आसमान से अवतरित हुए और मोहन यादव को आशीर्वाद दिया। ये किस तरह का आशीर्वाद है जिसमें एक भगवान का माखौल बना करके रख दिया है, और आपके भगवान स्वयं आकर के अगर किसी पार्टी के नेता को माला पहनाते हैं या उसका स्वागत करते हैं तो इससे क्या आपके भगवान का अपमान नहीं हुआ? क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री को आप भगवान से ऊपर का दर्जा दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो भावना आहत गैंग का कोई सरगना इस पर मुंह क्यों नहीं खोला? मैं पूछना चाहता हूं कि इससे आपके बजरंगबली का अपमान कैसे नहीं हुआ? आपकी छुईमुई वाली भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई? दरअसल भावना आहत गैंग का एजेंडा फिक्स है, विपक्ष का कोई व्यक्ति कुछ भी बोले उससे भावनाएं आहत होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करो, मानववाद की बात करो, उससे भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन उनके भगवानों का राजनीतिक इस्तेमाल कर दो, भगवाकरण कर दो, मंचों से लेकर के विभिन्न लीलाओं में उनका माखौल बना दो, उससे उनकी भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि ये सिलेक्टिव भावनाएं हैं। वैसे ये मेरा विषय नहीं है, धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों को इस पर सोचना चाहिए था कि गाड़ियों के पीछे चिपके हुए हनुमान इतने गुस्से में क्यों नजर आने लगे हैं। पहले वाले हनुमान की तस्वीर देखिए, एक भक्त हनुमान थे, शालीन और सौम्य थे, लेकिन मौजूदा समय के बजरंगबली रौद्र रूप धारण कर लिए हैं और गाड़ी के पीछे चिपके रहते हैं। इससे आपके भगवान का अपमान नहीं होता? हनुमान छोड़ दीजिए, राम का रूप देखिए, पहले ये था और अब ये हो गया है। इनको भी छोड़िए, शंकर का रूप देखिए, पहले ये था और अब ये हो गया है। यानी कि अपनी एग्रेसिव नफरती राजनीति को चमकाने के लिए इन भगवानों का स्वरूप परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार कौन है? इससे आपकी नाजुक भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी नाजुक भावनाएं महज एक पॉलिटिकल स्टंट है। बहरहाल बीजेपी ने अब जो रणनीति बदली है, जो प्रयोग शुरू किया है, देखना होगा उसका असर कितना दूरगामी होता है। रणनीति स्पष्ट है, बीजेपी के ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद को गाली देते थे, अब हर काम, हर नफरत, हर निर्णय, पाखंड और अंधविश्वास के सारे फैसले तुम्हारे ही व्यक्ति द्वारा करवाए जाएंगे। देखते रहने संजन मत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।